अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर पार्क स्टडी लेक्चर। लेट्स स्टार्ट द लेसन। वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। टुडे वी विल टीच क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन द टर्म आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। नज़रिया पाकिस्तान से क्या मुराद है? द आंसर इज ऑन पेज नंबर 4। The ideology of Pakistan refers to the attainment of a separate land. नज़रिया पाकिस्तान से मुराद ये है एक ऐसी सरजमीन को हासिल करना in which Muslims of the subcontinent, जिसमें बरसगीर के मुसलमान, can preserve Islamic values and ideas, जहाँ पर बरसगीर के मुसलमान इस्लामी नज़रियात और कदरों को महफूज कर सकें in the light of the Quran and Sunnah, कुरान और सुन्नत की रोशनी में, and spend their lives अंडर द ग्लोरियस प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम, और अपनी जिंदगियां गुजार सकें इस्लाम के रोशन असूलों के मुताबिक। पॉइंट नंबर 2, द ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट, तहरीक पाकिस्तान के मजमूई तसव्वुर, एंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान और तमीर पाकिस्तान को इज कॉल्ड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, नज़रिया पाकिस्तान कहा जाता है। तहरीक पाकिस्तान और तमीर पाकिस्तान के मजमूई तसव्वुर को नज़रिया पाकिस्तान कहा जाता है। पॉइंट नंबर 3, द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज़ डैट, नज़रिया पाकिस्तान ये है डैट आइडियोलॉजिकल बेसिस अंडर विच द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट स्ट्रगल, इस नज़रियाती बुनियाद पर है, नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद इस नज़रियाती असास पर है कि बरसगीर के मुसलमानों ने स्ट्रगल फॉर देयर आइडेंटिटी, कोशिश की अपनी शिनाख्त के लिए, राइट्स हकूक के लिए, सेपरेट होमलैंड अलग वतन के लिए, एंड नेशनल वेलफेयर और कौमी फलाह बहबूद के लिए। नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद इस नज़रियाती असास पर है कि बरसगीर के मुसलमानों ने अपनी शिनाख्त हकूक, अलहदा वतन और कौमी फलाह बहबूद के लिए कोशिश की। शार्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन अकीदा रिसालत। द आंसर इज ऑन पेज नंबर 8। बिलीविंग इन द रिसालत प्रॉफिटहुड मीन्स, अकीदा रिसालत का मतलब है बिलीविंग इन ऑल द रसूल प्रॉफिट्स अलैहिस्सलाम, तमाम रसूलों पर यकीन रखना। इन ऑर्डर टू एंटर द रियलम ऑफ इस्लाम, दायरा इस्लाम में दाखिल होने के लिए, इट इज़ एसेंशियल, ये ज़रूरी है, लाजमी है, टू एक्सेप्ट द रिसालत, रिसालत पर रिसालत को कबूल करना, होल हार्टेडली दिलो जान से, रिसालत को दिलो जान से कबूल करना ज़रूरी है दायरा इस्लाम में दाखिल होने के लिए, एंड नॉट टू डाउट इट इन एनी वे, और इसमें किसी किस्म का भी शक ना करना। बिलीविंग इन द कुरान एंड द रिसालत एज द सोर्सेज ऑफ गाइडेंस, कुरान और उस्वा रसूल को हदायत का जरिया मानना, एंड बिलीविंग इन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज द लास्ट प्रॉफिट, और इस बात को यकीन रखना, इस बात का यकीन रखना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं, एंड बिलीविंग और यकीन मानना नो रसूल विल कम आफ्टर हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई रसूल नहीं आएगा, इज़ एन एसेंशियल पार्ट, ये एक लाजमी हिस्सा है ऑफ बिलीविंग, यकीन करने का इन द रिसालत, रिसालत पर, रिसालत पर यकीन रखने का ये एक लाजमी हिस्सा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना। एंड हु एवर डिनाइज, और जो कोई इनकार करता है, जो कोई शख्स इनकार करेगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ बिल्ला अल्लाह के आखिरी नबी नहीं है, इट कैन नॉट बी अ मुस्लिम, तो वो मुसलमान नहीं कहलाएगा। स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, लर्निंग लर्न फॉर लर्न एंड फॉर रिटर्न फॉर्म।